सुल्तानपुर में नहीं बनेंगे मकान, बंद हो जाएंगे ईंट के भट्टे, रिन्यू नहीं हुआ भट्टों का लाइसेंस, अब भट्टा मालिकों पर चलेगा हंटर। सुल्तानपुर जिले में मौजूद ईंट भट्टा मालिकों की शामत आने वाली है। जिला प्रशासन ने इन सभी को सख्त हिदायत देते हुए चेतावनी दी है, जिसके बाद से ईंट भट्टा मालिकों में हड़कंप मच गया है। और अगर इन ईंट भट्टों को बंद करवा दिया गया तो यकीन जानिए ईंट इतनी महंगी हो जाएगी कि आप चाहकर भी अपना घर नहीं बनवा पाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। दरअसल सुल्तानपुर जिले में ईंट भट्टा मालिकों पर कार्रवाई के लिए जिला पंचायत ने कमर कस ली है। दरअसल इस वक्त जिले में कुल 240 ईंट भट्टे चल रहे हैं, जिनमें से 178 ईंट भट्टे ऐसे हैं जिनके लाइसेंस का रिन्यूअल ही नहीं हुआ। जिला पंचायत ने ऐसे सभी ईंट भट्टा संचालकों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है, साथ ही उन्हें जल्द से जल्द लाइसेंस रिन्यू करवाने की हिदायत भी दी गई है। इस मामले में सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिना नवीनीकरण के ही इन भट्टों पर ईंट पकाए और तैयार किए जा रहे हैं। अभी तक जिले के सिर्फ 62 संचालकों ने ही नवीनीकरण कराया है। अपर मुख्य अधिकारी हरिओम नारायण चंद ने ईंट भट्टा मालिकों को पत्र जारी करते हुए जिला पंचायत से पंजीकरण और नवीनीकरण कराने के निर्देश जारी किए हैं। इसी जून के महीने में प्रशासन अपनी कार्रवाई शुरू करेगा, जिसमें भट्टों के लाइसेंस चेक किए जाएंगे। अगर किसी का लाइसेंस नहीं पाया जाता है या फिर वो रिन्यू नहीं है तो ऐसे भट्टा मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह खबर हमारे संवाददाता खुर्शीद खान राजू और अफजल खान ने कवर की है। आपको हमारी खबर कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमारी खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको लाइक और फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।